तो आज फिर से हमारे टोटल मीडिया रिपोर्ट्स के सातवें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है और इसमें आपको सिनेमा जगत से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स बारीकी से बताई जाएगी। तो हमारी पहली अपडेट आती है अनिल कपूर की फिल्म सभी को लेकर, क्योंकि हमें हर रोज सभी मूवी के टीजर देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर हमें इस फिल्म की थोड़ी थोड़ी कहानी बताई जा रही है। और इस फिल्म में अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणा और दिव्या घोषला अहम भूमिका में नजर आने वाली है और अनिल कपूर की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को अभिनय देव डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले दिल्ली वैली और फोर्स टू जैसी फिल्में बनाई हैं और ये फिल्म 31 मई 2024 को थिएटरों में रिलीज होने वाली है। हमारी दूसरी अपडेट है डार्लिंग प्रभास को लेकर, क्योंकि अभी प्रभास की कल की 2898 एडी फिल्म रिलीज होने वाली है और कल की फिल्म के बाद प्रभास की अगली फिल्म राजा साहब होने वाली है और इस फिल्म में प्रभास के साथ मालविका मोहनन अहम भूमिका निभाने वाली है, लेकिन अभी यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और प्रभास की इस फिल्म को मारुति डायरेक्ट करने वाले हैं और ये एक रोमांटिक हॉरर ड्रामा फिल्म होने वाली है। और अब हमारी तीसरी अपडेट आती है जोली एलएलबी 3 फिल्म को लेकर, और इस फिल्म में अक्षय कुमार और अर्शद वारसी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं और अब इस फिल्म के साथ एक एक्ट्रेस का नाम भी जुड़ गया है और वो एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, क्योंकि जोली एलएलबी 2 फिल्म के अंदर हुमा कुरैशी ने पुष्पा मिश्रा का किरदार निभाया था और अब वो जोली एलएलबी 3 में भी अक्षय कुमार और अर्शद वारसी के साथ अहम भूमिका निभाने वाली है। और अभी इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के अजमेर में चल रही है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं की है। और इसी के साथ जोली एलएलबी 3 फिल्म सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बन रही है। और इसी के साथ एक अपडेट हमारे प्रीति जिंटा को लेकर भी आती है, क्योंकि एक फैंस ने प्रीति जिंटा से पूछा कि आप शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म कब लाने वाली हो। तब प्रीति जिंटा ने कहा कि जब हम दोनों को कोई कमाल की स्क्रिप्ट मिले, अभी हम उस फिल्म के लिए काम करेंगे, तब तक आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और इससे पहले प्रीति जिंटा शाहरुख खान के साथ दिल से कहो ना कहो, वीर जारा और कभी अलविदा ना कहना जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुकी हैं। और हमारी पांचवी अपडेट आती है अमिताभ बच्चन को लेकर के, क्योंकि अभी अभी अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और ये तस्वीरें रजनीकांत की फिल्म बेटियन की शूट की तस्वीरें हैं, क्योंकि हाल ही में अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत की फिल्म बेटियन की शूटिंग कम्प्लीट कर ली है और रजनीकांत की फिल्म बेटियन जो 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की अहम भूमिका में हमें रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती और रितिका जैसे बड़े बड़े एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और हमारी छठी अपडेट आती है सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर, क्योंकि गदर 2 की अपार सफलता के बाद अब मेकर सनी देओल की सभी फिल्मों का सीक्वल बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के ऊपर भी काम चल रहा है। और अभी बॉर्डर 2 फिल्म के अंदर एक नए एक्टर की एंट्री हो चुकी है और वो एक्टर होने वाले हैं आयुष्मान खुराना, यानी आयुष्मान खुराना भी सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। और सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 जो 26 जनवरी 2026 को रिलीज की जा सकती है और ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर वाली फिल्म होने वाली है जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। और अब हमारी आखिरी अपडेट आती है बॉलीवुड के टाइगर को लेकर, यानी भाईजान सलमान खान को लेकर, क्योंकि अभी सलमान खान जो साजिद नाडियावाला की फिल्म सिकंदर के काम में बिजी चल रहे हैं और अब इस फिल्म के अंदर उनकी हीरोइन को भी फाइनल कर लिया गया है, यानी सिकंदर फिल्म में सलमान खान के साथ आपको रश्मिका मंदाना अहम भूमिका में नजर आएगी और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब रश्मिका मंदाना और सलमान खान एक साथ एक स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के लिए एक नई जोड़ी को कास्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस जोड़ी को फाइनल कर लिया है और अब हमें ये जोड़ी सिकंदर फिल्म के अंदर अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। तो अब हमारे टोटल मीडिया रिपोर्ट्स का सातवां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इन सभी अपडेट में से सबसे बेहतरीन अपडेट कौन सी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। वीर जारा और कभी अलविदा ना कहना का।